मेरा पाकिस्तान से। आप तो बड़े खुश हो गए आज इंडिया ने। यार नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं जब आया था ना तो इंडिया को सपोर्ट करने। अबे तुम बल्लेबाज हो, ये बल्लेबाज हो तुम, ये वही बल्लेबाज है जिनकी कसम खा के लोग जो है ना बातें किया करते थे कि ये ऐसी की तैसी कर देंगे। अबे कहां गए तुम्हारी इंटेंट? कैसा लास्ट में, सच बताओ रे पाकिस्तानी हो रे बेचो, तो लास्ट में कितना पुस्की मार। मैं भी पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकली होगा उसका इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट नजर आया। आपको लगता है कि इंडियन टीम जो है वो एशिया कप में बाउंस बैक करेगी और फाइनल हमारा और इंडिया का दोबारा होगा? जी बिल्कुल लगता है मुझे। और एक कहावत है हमारे अफगानिस्तान में, एक कहावत है, कहते हैं मारो नहीं डरा डरा के टट्टी निकाल दो सालों की। तो जय हिंद जय भारत। आइए सुनते हैं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की जापानी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो आप और देश तक पहले पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद। मेरा पाकिस्तान से। आप तो बड़े खुश हो गए आज इंडिया ने। यार नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं जब आया था ना तो इंडिया को सपोर्ट करने आया था। ये देखो मेरा झंडा है। अच्छा ये देखो, ये पाकिस्तान का झंडा है, ये इंडिया का झंडा है। ओके। और मैंने इधर लिखवाया था कि इंडिया प्लीज विन, We want to see India Pakistan in final। ये तो आपका दिल टूट गया। Because अब देखें एशिया कप तो खत्म हो गया ना, एक किस्म का अब मजा नहीं रहेगा इंडिया पाकिस्तान का। हम तो फाइनल देख रहे थे, हम तो पाकिस्तान लाहौर से कवर करने आए। बिल्कुल वन मैन शो हुआ, मैं सूर्य कुमार की बीनिंग, जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फील्डर कहाँ है तो फायदा ही नहीं है भाई जान। रोहित शर्मा के अलावा आज किसी की कुछ नहीं है, वही खेला है अकेला लोन वॉरियर। सुबह का ट्वीट, सुबह का शो कि आज हिटमैन जो है ना वो हिटमैन नजर आएगा, लेकिन बाकी क्या पजामा मैन थे, बाकी क्या सुते हुए मैन थे, बाकी क्या सिर्फ जैसे बाबर बाबर आप करते हैं, तो क्या रोहित ने अकेले ठेका ले लिया ना? हार्दिक से खेलने हुआ ना पंत, हालांकि आते ही तीन चौके मारे, लेकिन क्या वादा हुआ? अश्विन अच्छा रहा, सात बॉलों में 15 एक छक्का भी मार गया। आप तो रो रही है, थोड़ा बुरा लगता है को लगेगी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मैं भी यही, आप लोग कहते हैं ना आप हम पर गैर जरूरी वो करते हैं कि एफपी भाई तो विराट के खिलाफ, अबे हम बच्चे नहीं है। आज ना बॉल वो स्विंग हुआ था, दो सिल्पे ली थी विराट ने, लाइन में आए बगैर वैसा शॉट मार दिया जैसा उसने हसनैन को छक्का मारा था। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। क्या आया इंडिया अब कोई चांस है कि एशिया कप के फाइनल में पहुंच सके? जो मेरी समझ में है, मैं उसके बाद ऑब्वियस अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना चाहता हूं, मेरी समझ में तो ये है कि जो भी दो टीमें दो दो मैचेस जीत जाएंगी जिनके चार चार पॉइंट्स होंगे तो मेरे ख्याल है नेट रन रेट का इतना मसला नहीं आएगा। बट इन फैक्ट अगर कोई भी दो टीमें एक एक मैच ही जीतती हैं या तीन टीमें एक एक मैच जीतती हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी कि यार नेट रन रेट के हिसाब से शायद किसी की जगह बन जाए। बट लेकिन ये थोड़ी दूर अंदेशी की बात है। कोई स्कोर है यार, भले दुनिया की बदतरीन पिच थी, डबल पेस सिंगल पेस थी एल पेस थी कोई भी पेस थी, अबे तुम बल्लेबाज हो, ये बल्लेबाज हो तुम, ये वही बल्लेबाज है जिनकी कसम खा के लोग जो है ना बातें किया करते थे कि ये ऐसी की तैसी कर देंगे। अबे कहां गए तुम्हारी इंटेंट? पाकिस्तान लाहौर से कवर करने आए हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देख रहे, स्पेशल हम टिकट्स करवा के आए हैं तो हमें भी बड़ा इसका, तो आप तो ज्यादा दुखी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई बात, इतने कम रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई टीम इंडिया से भाई, पूरे करियर का सबसे बदतरीन शॉट विराट कोहली का, और वो बता रहा है मुझे इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि परसों कहीं भी बात को आज उन्होंने प्रूफ भी किया कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस प्लेइंग 11। मगर करने की आदत है श्रीलंका को, चेस करने की आदत है चाहे विकेट। बहुत अफसोस हुआ इतनी महंगी टिकट खर्चते हैं, बात वो नहीं है पैसे की, बात यह इमोशंस की सर, बच्चे हैं छोटे वो लोग कर रहे हैं, दे नीड टू प्ले हार्ट आउट, मतलब कम ऑन यार, मुझे लगा दिल से नहीं खेले सर, दिल से नहीं खेल रहे थे, पता नहीं क्यों आपको दुख हुआ है। अरे सर दिल टूट गया, कमाल की बात कर रहे हैं, इंडिया बाहर हो गया एशिया कप से। आप मैम आपकी क्या फीलिंग है? बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा, हम तो फाइनल्स की टिकट्स लेके बैठे हुए, अब हम फाइनल मिस करेंगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। एज अ यूट्यूबर आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम कैसी टीम है? बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेलती है और उसके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं।
प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। फेवरेट कौन सा प्लेयर है? विराट कोहली। विराट कोहली, लड़कियों से पूछो तो विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, इनके तो लगता है खून नहीं विराट कोहली दौड़ता है। खेलता बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि इंडियन टीम जो है वो एशिया कप में बाउंस बैक करेगी और फाइनल हमारा और इंडिया का दोबारा होगा? जी बिल्कुल लगता है मुझे, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जीतेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि इंडिया कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा हमसे। हाँ। फाइनल। हाँ, जीते। मैं ये क्यों कहा आपने, इसके हाँ। पीछे क्या राज है? परफॉर्मेंस देख रही हैं उनकी ज्यादा? बिल्कुल, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। पाकिस्तान, आपने सबसे पहले घबराना चल क्लिप देखते। सादे पतले मोमबत्ती, चवन्नी वाली मोमबत्ती सादा कैच नहीं पकड़ सकता गांडू। ये हमारे टीम में भी है, क्या करें, अब ऐसे बुकलंडी लोग कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक कहावत है हमारे अफगानिस्तान में, कहावत है, कहते हैं मारो नहीं डरा डरा के टट्टी निकाल दो सालों की। कैसा लास्ट में, सच बताओ रे पाकिस्तानी हो रे बहनचोद, तो लास्ट में कितना पुस्की मारा रे तुम लोग है? वो तो ये साला पतला जिता दिया रे तुम लोगों को ना केस ड्राप करके। स्पेशली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मैच हार गया तो पठान भाग जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा। अरे बहुत सड़ी के लाखों हजारों की तादाद में हमारे अफगानिस्तान में लोगों ने कुर्बानियां दी है, हम अंडरग्राउंड नहीं हुए, तो एक मैच से हम अंडरग्राउंड होंगे भोसड़ी के? तो इतना कमजोर है, हम इतने कमजोर नहीं है। ये साला हड्डी है ना, ये बड़ा मजबूत हड्डी है। कोई बात नहीं, ये वेंचर चोर के बच्चों को नए का खुशी मिलनी चाहिए भाई, जिंदगी खराब पड़ी है इनकी भाई, वहां पे सैलाब आया हुआ है। ये क्या समझेंगे ये साले मुजरे करने वालों की औलादे, ये नहीं समझते, ये गुलखान, ये दुबई में मुजरा करने वाले की पैदावार, इनको नहीं समझ में आता भाई, इनको नहीं समझ में आता। लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद, जय हो अफगानिस्तान की, हम फिर भी इंडिया से प्यार करते हैं। लव यू इंडिया, माई हार्ट इंडिया, जिंदाबाद, जय हिंद, हमेशा ये तिरंगा ऐसा ही बुलंद रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।